हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है और कहां एग्जिट हो सकता है। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, मैंने एक रेंज दिया था जिसे 4 आवर में, तो रेंज में ही चल रहा था, राइट। तो अभी देख सकते हैं एग्जैक्टली रेंज का जो रेजिस्टेंस लाइन जो अपर बैंड होता है तो वहाँ तक गया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम बाय करेंगे थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है। अगर आपको मैं दिखा दूँ तो 4 आवर में, तो अगर मेरा पीबीएस वीडियो आपने देखा तो आपको पता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे पीबीएस हायर पॉइंट मैंने कनेक्ट किया था, जैसे हायर पॉइंट राइट। तो हमें मिला यहाँ पे हायर पॉइंट राइट, तो और यहाँ पे लोअर पॉइंट जो कनेक्ट किया, नेक्स्ट लोअर पॉइंट मिला था। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जैसे रहा, यहाँ से नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया। तो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था ये हमारा नेक्स्ट टारगेट था 4300 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट फ्यूचर नीचे आने का चांसेस है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे बाय करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बाय करना रिस्क है। फिर भी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका ऊपर से हम बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे अभी हमें सेल और बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए हमें देखेंगे अभी स्मॉल टाइम फ्रेम, जैसे 1 आवर। तो 1 आवर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक स्मॉल रेंज में चल रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं ये लार्ज रेंज में एक स्मॉल रेंज चल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए हमें, अगर ये जो हमें एक सपोर्टिंग लाइन मिला, देख सकते हैं ये सपोर्टिंग लाइन एक रेंज, तो 20 मूविंग एवरेज ने इसको सपोर्ट बना के जा रहा है। तो अगर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया मूविंग एवरेज 5 ने, यहाँ से सेल हम जा पाएंगे, राइट। तो अभी हम छोटा टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट एंट्री के लिए हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट एंट्री के लिए, तो 15 मिनट में आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस कहाँ से बाउंस हो रहा है। आपको अच्छा से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, राइट। 50 मूविंग एवरेज बाउंस राइट। तो यहाँ से 50 मूविंग एवरेज से फिर से बाउंस हो सकता है। फिर भी हमें अगर एंट्री करना है, तो अगर मार्केट नीचे 50 मूविंग एवरेज के आसपास हो गया तो हम यहाँ पे बाय लेके उसका लोअर पॉइंट में, जैसे ये लोअर पॉइंट में हम एसएल लगा सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, राइट, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया और उस सिमिलरली उस समय में 50 जो परसेंटाइल आर जो है 45 लेवल माइनस 50 को ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है मार्केट नीचे आ सकता है, तो वहां से हम सेल जा सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।